Hello students, I am Vishal from English Academy. Today we will discuss a chapter of class 9th, The Fun They Had. Stories written by Isaac Asimov. Now, before starting with the chapter, I will give you introduction about author. So, he was born on 2nd January 1920 and he was died 6th April 1992. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was known for his works of scientific fiction and popular science. He was a prolific writer who wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. His most famous works is the Foundation series. Now, explanation of this statement in Hindi. Isaac Asimov का जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 को हुई थी. यह एक अमेरिकी लेखक और बॉस्टन विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे. वह वैज्ञानिक तथा साहित्य के अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे और उसके लिए लोकप्रिय भी थे. वह एक विलुप्त लेखक थे जिन्होंने 5,000 से अधिक पुस्तकों और अनुमानित 90,000 पुस्तकों और पोस्टकार्डों को लिखा. उनका सबसे प्रसिद्ध जो काम था फाउंडेशन सीरीज का था. सो स्टूडेंट, यह रहा हमारा इस लेसन में राइटर का इंट्रोडक्शन. अब हम चलेंगे इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन का इंट्रोडक्शन जानने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ इंट्रोडक्शन. दिस इज़ अ वेरी लाइट स्टोरी. इट इज़ सेट इन द फ्यूचर. इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल. दिस स्टोरी इज़ रिगार्डिंग स्कूल लाइफ एंड हाउ दो चिल्ड्रेन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल. द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल नो बुक्स. नाउ हाउ दोज स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल एंड विल फील दैट देयर एंसेस्टर्स दैट इज द प्रेजेंट जनरेशन यू ऑल हैड फन गोइंग टू स्कूल मीटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर. इन द एंड वी कम टू नो that this is an imagination of a young girl named Margie who comes to know that their ancestors used to go to school. All the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun when they went to school. So when we read the story, we feel that school life is very good. And we are fortunate that we have a real schools where we go, meet friends and get a chance to study together. So, it was the introduction of the story. Now, I am going to explain you in Hindi that students, यह एक बहुत ही हल्की कहानी है और इसके बारे में हम अब जानेंगे कि इसे भविष्य के सेट में के तौर पे लिया गया है. यह आप सभी को स्कूल के बारे में उसके अफेक्शन के बारे में एक कहानी बताएगा. यह कहानी स्कूली जीवन और उन बच्चों के बारे में है जो स्कूल नहीं जा पाए, स्कूल छूट गया. कहानी की जो व्यवस्था है भविष्य में है जब शायद कोई स्कूल नहीं होगा, कोई किताबें नहीं होंगी. अब ये छात्र स्कूल जाने से कैसे चुकेंगे और उन्हें लगेगा कि उनके पूर्वजों की वर्तमान पीढ़ी है. आप सभी को स्कूल जाने मिलने और एक दूसरे की मदद करने में जो मज़ा आता था. अंत में हमें पता चलता है कि यह मर्गी नाम के एक युवा लड़की की कल्पना है जिसे पता चलता है कि उसके पूर्वज स्कूल जाते थे, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे. उन्हें लगता है कि जब वे बहुत मस्ती करते थे वे स्कूल गए. इसलिए जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि स्कूली जीवन बहुत अच्छा है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास असली स्कूल है
जहां हम जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और साथ में पढ़ाई करने का मौका पाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये तो हमारा स्टोरी का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं थोड़ा और बता दूँ आप सभी को कि मर्गी जो है अभी वो इस जिस जनरेशन में रह रही है, तो उसके जनरेशन में जो बुक्स वगैरह है, जो स्टडी है, जो स्कूल है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के स्टडी कर रही होती है। लेकिन जब उसके दादाजी पढ़ रहे थे, तो उनके दादाजी के दादाजी ने बताया कि एक समय था जब वो स्कूल में जाते थे, वहाँ सभी इकट्ठा होते थे, पढ़ते थे, मस्ती करते थे। इन चीज़ों को जान करके मर्गी काफ़ी इंटरेस्टेड है उन चीज़ों के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि उसका जो क्लासरूम है वर्चुअल क्लासरूम है, जहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, जहाँ पे कोई दूसरे लोग नहीं है, सेपरेट क्लासरूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है और उसे स्टडी करना है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करना है। इसलिए मर्गी चाहती है कि वह उस पुराने समय के स्कूल के बारे में समझे, जाने। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस स्टोरी का जो समरी है उसको जानने के लिए कि इसका स्टोरी क्या है, नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। द स्टोरी ओपन्स विथ मर्गी राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैड फाउंड हिज रियल बुक। मर्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर हु हैड वंस टॉक्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर who went to an actual school where the students were taught by human teachers. However, Murgi and Tommy lived in the future world in the year 2157, where education was completed, computerized. They did not go to a school. Instead, they had a special study room where a computer taught them. The computer teacher was programmed and adjusted according to the needs of each child. Now and then the computer teacher developed faults which were fixed by computer inspector. So student, now try to understand the meaning of this statement. यह कहानी टॉमी और मर्गी की है, जो कि टॉमी को एक पुरानी किताब के बारे में बताया गया है कि अपनी डायरी में मर्गी के लेखन के साथ यह स्टोरी स्टार्ट होती है। मर्गी को उनके अपने दादाजी की याद दिलाई गई, जिन्होंने कभी अपने दादाजी के बारे में बात की थी, जो कि एक वास्तविक स्कूल के बारे में थे, जहाँ पर छात्रों को मानव शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता था। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, कि मर्गी जो है अभी जिस जनरेशन में जिस समय स्टडी कर रही है, उसका टाइम एक वर्चुअल बुक्स के माध्यम से, वर्चुअल स्टडी के माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटराइज के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब उसके दादाजी स्टडी कर रहे थे, तो उस वक्त का स्टडी एक क्लासरूम के माध्यम से, एक टीचर्स के माध्यम से कराया जाता था। इसलिए यहाँ पर उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है। तो आगे इसके बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने कभी अपने दादाजी के बारे में वास्तविक स्कूल के बारे में उसने बात किया था, कि उसके दादाजी जो थे एक वास्तविक स्कूल में जाते थे स्टडी करने के लिए, जहां किसी इंसान के द्वारा पढ़ाया जाता था, जो कि मार्गी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। हालांकि मार्गी और टॉमी भविष्य की दुनिया में रहते थे, वह जिस समय जिस साल रह रहे थे उस समय उसका समय था, जो साल था 2157, 2157, जहाँ शिक्षा पूरी तरह से कंप्यूटराइज थी। वे स्कूलों में नहीं गए, इसके बजाय उनके पास एक विशेष अध्ययन कक्ष था, जहाँ पे वे कंप्यूटर उन्हें पढ़ाता था। कंप्यूटर शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की जरूरतों के अनुसार प्रोग्राम किया गया था और वह और समायोजित किया गया था, यानी उसको डेवलप किया गया था बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से। अब और फिर कंप्यूटर शिक्षक ने दोष विकसित किए, जो एक काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा तय किए गए थे। अगर किस तरह कुछ फॉल्ट होता था, तो काउंटी इंस्पेक्टर आता था
और आके उसको फिर से रीप्रोग्राम करता था, जिसके माध्यम से बच्चे पुनः फिर अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। टॉमी और मार्गी दोनों ने अपनी अटारी में टॉमी को मिली पुस्तक पर आश्चर्य किया कि एक अजीब सा पुस्तक मिला जो कि हमें अतीत के उन स्कूल उन स्टडी के बारे में बताता है जो कि हमने उसके बारे में कभी जाना नहीं, कभी हम उस तरह के स्कूल में गए नहीं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि वे अपने कंप्यूटर शिक्षक की स्क्रीन पर किताबें पढ़ते हैं। मर्गी को लगा कंप्यूटर शिक्षक उबाऊ है, उसने यांत्रिक शिक्षण और शिक्षा को नापसंद किया। वह यह भी सोचती है कि स्कूल में पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, एक मज़ेदार तरीके से पढ़ाई अन्य बच्चों के साथ, और वहाँ भी एक शिक्षक जो मनुष्य हो, ह्यूमन बींग हो, वह आके पढ़ाए, कितना अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका समरी था। और इस स्टोरी में हम लोगों ने यही जाना कि जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजीज आते हैं, डेवलप होते हैं, बिल्डअप होते हैं और हमें काफ़ी आगे लेके जाते हैं, लेकिन जो स्कूल लाइफ में जाकर स्कूल में स्टडी करने का जो मज़ा होता है वो हमें कंप्यूटराइज बैठ के स्टडी करने में नहीं आ पाएगा। हमारे फ्रेंड्स वहाँ रहेंगे, हमारे टीचर्स वहाँ रहेंगे जो हमें काफ़ी मदद करेंगे हमें अच्छे तरीके से बढ़ने में और बेहतर करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी, द फन दे हैड। और यही स्टोरी में लास्ट में टाइटल दिया गया है द फन दे हैड, जिसको उनके दादाजी ने स्कूलिंग लाइफ में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के उन लोगों ने जो इन्जॉय किया उसी इन्जॉय के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो स्टूडेंट, आई होप सो यू ऑल इन्जॉय दिस स्टोरी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।